राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित शाही रेलगाड़ी पैलेस ऑन व्हील न्यू ईयर टूर पर अजमेर पहुंची। आरटीडीसी द्वारा आयोजित स्वागतम 2023 कार्यक्रम के अवसर पर राजस्थान पर्यटन विकास निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौर भी मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने देशी और विदेशी मेहमानों का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। वहीं इस तरह से शाही स्वागत के बाद सभी का आगंतुक गदगद नजर आया। इस मौके पर निगम अध्यक्ष ने बताया कि 8 अक्टूबर 2022 को रात से काठबाद से पैलेस ऑन व्हील का शुभारंभ किया गया था। अभी तक 300 से ज्यादा देशी और विदेशी पर्यटक पैलेस ऑन व्हील में यात्रा कर शाही मेहमान नवाजी का लुत्फ उठा चुके हैं। आपको बता दें कि पैलेस ऑन व्हील के न्यू ईयर टूर में भारत समेत 7 देशों में 53 पर्यटक यात्रा कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका की 16, भारत की 14, कनाडा के 12, इजराइल के 6, बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया के 2-2 और ब्रिटेन के 1 पर्यटक शामिल है। निगम अध्यक्ष ने 1 साल के कार्यक्रम की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि 1 साल में आरटीडीसी की माली हालत को सुधार कर पर्यटन के क्षेत्र में कई नवाचार किए गए हैं। इस राज्य में पर्यटन को नई दशा और दिशा मिल रही है। और वेलकम 2023, आप सबको नववर्ष पे बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आरटीडीसी की पैलेस ऑन व्हील 1982 से 2023 तक की जर्नी बहुत ही सुखद है। आप देख रहे हैं पूरी जो टूरिस्ट है, यानी वर्ल्ड के टॉप कंट्रीज की हमारे 53 टूरिस्ट हमारे साथ चल रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि आरटीडीसी के चेयरमैन के बतौर पहला मैं चेयरमैन हूँ जो पैलेस ऑन व्हील में टूरिस्ट के साथ 31st मैं मना रहा हूँ। उनका एक तरह से मैं उनके साथ उनका फीडबैक भी ले रहा हूँ कि पैलेस ऑन व्हील में वो कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। और 82 से 2023 तक पैलेस ऑन व्हील की 40 साल की जो धरनी है उसमें अजमेर में पहली बार 31st और न्यू ईयर मनाने का पहली बार यह अवसर मिला है आरटीडीसी को और पैलेस ऑन व्हील को। तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। अजमेर का नागरिक होने के नाते भी मुझे बहुत अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि नई साल अजमेर वासियों के साथ, पैलेस ऑन व्हील के टूरिस्ट के साथ और आप सबके साथ हम मना रहे हैं।